भरत, बाहुबली, ब्राह्मी, सुंदरी, इन चारों आत्माओं का हमारे प्रथम तीर्थंकर से डायरेक्ट कनेक्शन है। इन चारों का नाम भरेसर की सज्जाए में क्यों याद किया जाता है, वो सब हम देखेंगे। पर्वत की तरह निश्चल बाहुबली धन दौलत, पत्नी, परिवार, सम्मान, प्रतिष्ठा और विशाल साम्राज्य आदि सब कुछ छोड़ पाए, त्याग कर पाए, लेकिन एकमात्र मान कषाय को न छोड़ पाए। ब्राह्मी और सुंदरी के एकमात्र ही उपदेश से बाहुबली जी की सोच में क्या परिवर्तन आया था, वो सब हम देखेंगे। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। इस अवसरपीर्णी काल का तीसरा आरा लगभग बीत चुका था और अषाढ़वदी चौथ के शुभ दिन नाभी कुलकर की पत्नी मरुदेवा की कुक्षी में प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का च्यवन हुआ, यानी गर्भ में आए। उस समय मरुदेवा माता ने ऋषभ, हाथी, सिंह आदि महासपने देखे। चैत्रवदी अष्टमी के शुभ दिन स्वर्ण समान कांतिमान तेजस्वी पुत्र और एक पुत्री को मरुदेवी माता ने जन्म दिया। 64 इंद्रों ने मेरु पर्वत पर जन्म महोत्सव मनाया। पुत्र का ऋषभ और कन्या का सुमंगला नाम रखा गया। लगभग एक वर्ष बीतने पर इंद्र महाराजा इक्षुदंड लेकर ऋषभ कुमार के पास आए। उस समय बाल स्वभाव के कारण इक्षु भक्षण की इच्छा से इक्षु दंड लेने के लिए ऋषभ कुमार ने अपना हाथ लंबा किया। यह देख इंद्र ने अत्यंत विनय पूर्वक तत्काल वह इक्षु दंड प्रभु के कर कमलों में यानी हाथों में अर्पित कर दिया और इंद्र ने इक्षु के अनुसार प्रभु के वंश का नाम इक्ष्वाकु वंश रखा। तब युगलिकों का काल चल रहा था और तभी एक अनहोनी घटना घटी। एक युगल वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, तब अचानक फल गिरने से उस युगल में से पुरुष की मृत्यु हो गई और वह कन्या यहाँ वहाँ भटकने लगी। अन्य युगलिकों की विनती पर नाभी कुलकर ने उस कन्या को ऋषभ कुमार की पत्नी हो इस प्रकार कहकर स्वीकार कर लिया। उस कन्या का नाम सुनंदा रखा गया। भगवान तो वितरागी होते हैं, उन्हें संसार के सुखों की कोई इच्छा नहीं होती, लेकिन इंद्र विनंती करते हैं कि प्रभु आप तो वितरागी हो, लेकिन इस अवसरपीणी काल में मोक्ष मार्ग की तरह व्यवहार मार्ग का प्रवर्तन आप ही से होने वाला है। उस समय प्रभु ने अपने अवधि ज्ञान के उपयोग से अपने भोगावली कर्मों को पहचाना और इंद्र को विवाह महोत्सव के लिए मूक सहमति प्रदान की और इंद्र महाराजा ने विशाल लग्न मंडप तैयार कर बड़े धूमधाम से सुनंदा व सुमंगला के साथ प्रभु का लग्न महोत्सव संपन्न किया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक शुभ दिन सुमंगला ने पुत्र पुत्री के युगल को जन्म दिया। पुत्र का नाम भरत और पुत्री का नाम ब्राह्मी रखा गया। इस तरफ सुनंदा ने भी एक युगल को जन्म दिया। बालक का नाम बाहुबली और बालिका का नाम सुंदरी रखा गया और इस तरफ सुमंगला ने कुल 49 पुत्र युगलों को जन्म दिया और ऋषभ देव प्रभु के भरत, बाहुबली आदि 100 पुत्र और ब्राह्मी, सुंदरी 2 पुत्रियां उत्पन्न हुई। इंद्र द्वारा विनीता नगरी की स्थापना हुई। इस प्रकार इस अवसरपीणी काल में ऋषभ देव प्रभु सर्वप्रथम राजा बने। धीरे धीरे कल्प वृक्ष नष्ट होने लगे। गेहूं, चावल, चना आदि अनाज घास की तरह उगने लगे और लोग उन्हें कच्चा ही खाने लगे। धीरे धीरे वह अनाज भी अजीर्ण करने लगा, यानी डाइजेस्ट नहीं होने के कारण तकलीफें बढ़ने लगी। दूसरी तरफ अग्नि की उत्पत्ति हुई, लेकिन अज्ञानता के कारण लोग उसे पकड़ने लगे और कईयों के हाथ जल गए। ये सारी समस्याएं लेकर युगलिक ऋषभदेव राजा के पास आए। आग की उत्पत्ति को जानकर ऋषभदेव राजा ने सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तन बनाने की कला सिखाई, चित्रकला सिखाई। प्रभु ने ज्येष्ठ यानी सबसे बड़े पुत्र भरत को पुरुषों की 72 कलाएं सिखाई। बाहुबली को हाथी, घोड़े, स्त्री, पुरुष आदि के लक्षण बतलाए। ब्राह्मी को दाहिने हाथ से 18 लिपियां सिखाई। सुंदरी को बाएं हाथ से गणित विद्या सिखाई। इस प्रकार प्रभु ने अपने गृहस्थ जीवन में सभी प्रकार का व्यवहारिक शिक्षण प्रदान किया। न्याय और नीति पूर्वक राज्य का संचालन करते हुए 83 लाख पूर्व वर्ष बीत गए। अवधि ज्ञान के उपयोग से प्रभु ने जाना कि भोगावली कर्म लगभग क्षीण हो चुके हैं। 9 लोकांतिक देवों ने आकर प्रभु को तीर्थ प्रवर्तन करने के लिए विनंती की। प्रभु ने वार्षिक दान देना प्रारंभ किया। प्रतिदिन 1,08,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का दान देने लगे। इस प्रकार एक वर्ष पूरा हो गया। दीक्षा के पहले ऋषभदेव प्रभु ने अपने परिवार को इकट्ठा किया और उसके बाद भरत से कहा कि मैं चारित्र धर्म स्वीकारना चाहता हूँ, इसीलिए अब यह राज्य तुम स्वीकार करो। पुत्र भरत ने कहा कि हे पिताजी, आपके चरण कमलों में जो सुख मिलता है वह सुख सत्ता के सिंहासन पर बैठने से प्राप्त नहीं हो सकता। आपके चरण कमलों में रहने से जो आनंद आता है वह छत्र की छाया में प्राप्त नहीं होगा। मुझे आपका वियोग सहना पड़े तो इस साम्राज्य से भी क्या फायदा। आपकी सेवा के सुख के आगे यह राज्य का सुख एक बूंद समान ही है। प्रभु ने कहा, यदि पृथ्वी पर कोई राजा नहीं होगा तो सर्वत्र अराजकता फैल जाएगी।
तुम इस पृथ्वी का न्याय नीति से पालन करो। भरत ने पिता की आज्ञा को स्वीकार किया। इस प्रकार भरत का राज्याभिषेक किया गया। भरत को अयोध्या का राज्य दिया गया। बाहुबली को बहेली देश का राजा बनाया गया। अन्य पुत्रों को उनकी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार छोटे छोटे राज्य दिए गए। इस प्रकार राज्य को सौंप कर चैत्रवदी अष्टमी के दिन ऋषभदेव प्रभु सुदर्शना नाम की शिविका में आरूढ़ होकर भव्य वरगोड़े के साथ सिद्धार्थ नाम के उद्यान में पधारे। वितरागी प्रभु ऋषभदेव ने अशोक वृक्ष के नीचे वस्त्र अलंकार आदि उतार दिए। पंच मुष्टि लोच प्रारंभ किया। चार मुष्टि लोच के बाद इंद्र के आग्रह से मस्तक पर की शिखा यानी सर के पिछले भाग की शिखा ऐसे ही रहने दी। इस प्रकार ऋषभदेव का चार मुष्टि लोच हुआ। इंद्र ने प्रभु के दाहिने स्कंद पर व्यवहार के तौर पर देवदूष्य डाला यानी दिव्य वस्त्र डाला जो सवा वर्ष तक इन पर रहा। प्रभु ने सिद्धों की साक्षी में संसार त्याग कर दीक्षा अंगीकार की और उसी समय उन्हें चौथा मन पर्यज्ञान उत्पन्न हुआ यानी लोगों के मन में जो विचार चल रहे हो उनको जानने की शक्ति प्राप्त हुई। उस समय कच्छ महाकच्छ आदि 4000 राजाओं ने भी प्रभु के साथ दीक्षा स्वीकार की। छद्मस्थ अवस्था में संपूर्ण मौन पूर्वक साधना में तल्लीन प्रभु विचरण करते हुए एक बार संध्या समय यानी शाम के समय में बहेली देश की राजधानी तक्षशिला नगरी के बाह्य उद्यान में पधारे। आपकी जानकारी के लिए बता दे, तक्षशिला आज पाकिस्तान के रावलपिंडी विस्तार में आता है। वहां आकर प्रभु कायोत्सर्ग में स्थित हो गए। उसके आगे क्या हुआ वो हम जानेंगे अगले भाग में। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिन शासन, जय महावीर।